वेलकम बैक टू वीडियो। इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल के बारे में तो आपने सुना होगा कि ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट कर लिया है मैंने, अब ज्वाइन कर लो। आपकी स्टोरीज पर भी बहुत लोगों ने डाल रखा होगा। यहाँ पे आपको मेरी जो है स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं स्क्रीन पे ही आपको दिखा देता हूँ। वैसे जब हम चैनल पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, क्रिएटर्स का ब्रॉडकास्ट चैनल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट चैनल इसने क्रिएट किया कैसे, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ इसके क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले यही सारी चीज। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है ताकि आप भी अपने एक चैनल क्रिएट कर पाओ, ब्रॉडकास्ट चैनल। बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके और आप अपनी ऑडियंस के साथ वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हो इस पे। पहले मैं यहाँ पे आपको बताते हूँ, तो जैसे इंस्टाग्राम क्रिएटर जो क्रिएटर पेज है उसी का ये ब्रॉडकास्ट चैनल है एंड यहाँ पे उन्होंने हम लोग इन्विटेशन लिंक भेज सकते हैं, किसी को स्टोरी भी लगा सकते हैं। एंड ये इसके ऑलरेडी 566.2 के मेंबर्स है, ऑलमोस्ट 522,000 मेंबर हैं इसके। अब हमें ये कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ओके, जैसे मेरा अकाउंट है, अगर आपको ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन नहीं मिला है, आप सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, या तो ऐप स्टोर पे जाके या प्ले स्टोर पे जाके। ओके, मेरी इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन दैट इज़ अप टू डेट, इसीलिए मुझे ऑप्शन मिला है। मुझे ऑप्शन फिर भी काफ़ी टाइम बाद मिला है। ओके, हो सकता है आपको ऑलरेडी मिल गया हो, आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर नहीं मिला है तो एक बार प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को कर लो अपडेट। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी अप टू डेट है तो मैं इसे ओपन ही करके अब आपको दिखा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना, क्योंकि मुझे मेरे इस अकाउंट पे तो मिला हुआ है। अब इसे क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे जो आपको मैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको मैसेंजर पे टैप करना है एंड इसके बाद आपको जाना है चैनल पे। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे, यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको एक पेंसिल का जो नोट का एक फीचर दिख रहा है, जहाँ पे पेंसिल और नोट है। ओके, आप इस पे टैप करो, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट चैनल। अब मेरे साथ साथ फॉलो कर सकते हो आप ये स्टेप, आपको ऑप्शन मिल गया है तो हम इस पे टैप करते हैं। ओके, रीच फॉलोअर्स एट वंस, मतलब आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन तक आप एक सेकंड में पहुंच सकते हो, मतलब एक ही मैसेज के थ्रू। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देते हैं ना, वैसे सेम सिमिलर फीचर है ये, ऐसे ही ये काम करता है। तो यहाँ पे शेयर अपडेट, गेट फीडबैक, क्रिएट कॉन्वर्सेशन, ओनली यू एंड इनवाइटेड मेंबर कैन सेंड मैसेज एंड इवन कैन डिस्कवर, ज्वाइन एंड रिएक्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे डीपन कनेक्शन, मतलब हम लोग एंगेज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। कैसे कैसे एंगेज विद योर फॉलोवर्स डायरेक्टली देयर इनबॉक्स, बिल्ड कम्युनिटी ओवर शेयर्ड इंटरेस्ट इन रियल टाइम। हम लोग यहाँ पे वोट कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्टेंट बेकार है, आप उसे चुटकी में यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे फॉलोवर को भी एक्सेस दे देंगे ना हमें टैक्स करने का, एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप पे हमें फॉलोवर भी टैक्स कर रहे हैं, हम भी उनसे बात कर रहे हैं वन टू वन। जैसे व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी, हम भी वहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें मैसेज आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर कुछ कॉन्टेंट वैसा आ जाते तो आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ से करेंगे गेट स्टार्टेड, मेरे साथ फॉलो कर लेना। गेट स्टार्टेड करेंगे, यहाँ पे अब हमें चैनल नेम देना है। ओके, तो मैं अपना चैनल नेम अब उसी से दे देता हूँ जो मेरे चैनल का नाम है और जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और फेसबुक पेज का भी जो इस पेज का है। ओके, तो अपकमिंग वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे अब ये कह रहा है ऑडियंस कौन कौन चाहिए आपको, फॉलोअर्स हैं आपके ऑडियंस, राइट। अब यहाँ से एनी वन कैन फाइंड एंड प्रीव्यू दिस ब्रॉडकास्ट चैनल बट ओनली फॉलोअर कैन ज्वाइन, मतलब ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ये हमारे नॉन फॉलोवर भी देख सकते हैं लेकिन ज्वाइन सिर्फ हमारे फॉलोवर ही करेंगे। ओके, अब आगे आगे बताता हूँ इसके क्या बेनिफिट है, हम यहाँ से अब करेंगे। आप ये कह रहे हैं शो चैनल ऑन प्रोफाइल, आपने एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, आप चाहते हो आपके जैसे वहाँ पे थ्रेड का आइकन दिखता है ना, थ्रेड का जो बैज दिखता है, आप चाहते हो कि आपके जो चैनल का बैज भी दिखे आपकी प्रोफाइल पे, नीचे जहाँ पे ईमेल आता है वहीं चैनल का भी आएगा कोई हमारी प्रोफाइल देखता है। तो हमने यहाँ से कर दिया क्रिएट चैनल और अब ये एक चैनल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑप्शन मिले हैं, आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो, एक इनविटेशन लिंक है हम जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं, दूसरा है शेयर स्टोरी और इनवाइट कोलैबोरेटर। ओके, अब इसी के साथ साथ आपको रिकॉर्ड वॉइस ग्रीटिंग और टेक अ सेल्फी, राइट। पहले तो मैं आपको इनविटेशन भेज के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से स्टोरी पे लगा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक पहला ही किया ये, तो हम कर देते हैं इसको, यहीं से ले लेते हैं फोटो ये वाली एंड ज्वाइन चैनल। अब मैं इसको यहाँ पे, अब जैसे मेरी स्टोरी पे ये अगर कोई इस पे टैप करता है तो मेरे चैनल वो ज्वाइन कर लेगा, मेरे फॉलोवर्स। ओके, जो मेरे फॉलोवर है, हम अब यहाँ से वही मतलब जैसे टेक्स्ट करते हैं इनविटेशन लिंक पे टैप करेंगे। अब इस इनविटेशन लिंक को हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं, मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, सेंड इन टू इंस्टाग्राम, शेयर इट टू स्टोरी और कॉपी। तो मैं इसे स्टोरी पर भी शेयर कर देता हूँ जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, सेंड इन टू इंस्टाग्राम, अब मैं इसको किसी और अकाउंट से इसको ज्वाइन करके भी आपको दिखा दूंगा, राइट। अब यहाँ से बन गया सब कुछ, मैं यहाँ से नहीं शेयर कर रहा हूँ। अब इसके फायदे और बता देता हूँ, फायदे इसका ये है
कि जितने भी मेंबर इसे ज्वाइन करेंगे इसको, वहां पे मैं उनके साथ वन टू वन इंटरेक्ट कर सकता हूँ। आप अपने फॉलोअर्स के साथ वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने ग्रुप बना दिया है। अब आपको कुछ भी फीडबैक लेना उनसे, ये नॉन फॉलोअर्स के लिए नहीं है, अभी मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। नॉन फॉलोअर्स जो आपको फॉलो नहीं करते, एक जब पब्लिक अकाउंट होता है तो वहां पे नॉन फॉलोअर्स भी आते हैं, किसी ने हमें फॉलो नहीं किया है वो भी हमारा पब्लिक अकाउंट देख सकता है, वो भी हमारी स्टोरीज देख सकता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट चैनल एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हमारे फॉलोअर्स उसे देख सकते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को आके ज्वाइन किया है, एंड पहले हमारा अकाउंट फॉलो करना पड़ेगा, फिर हमारे चैनल को वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद अब हमें उनसे कुछ प्रीव्यू लेना है, या मुझे उससे बात करनी है कि भाई मैं आगे कोई और चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, या मैं कोई कैमरा लेने की सोच रहा हूँ, तो आप वहाँ पे वही सारी सेम चीज़ कर सकते हो। एक पोल क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये पोल हो गया, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दो, कैमरा अपडेट कर लूँ, ओके ऐसे करके कर लिया जाए, ठीक है, एंड हम यहाँ से ओके। अब ऑप्शन यहाँ पे हम डाल, जैसे स्टोरी पे डालते हैं यस, दूसरा ओके सॉरी गलती से चेंज हो गया वो ओके। तो यहाँ पे मतलब जैसे हम पोल डालते हैं स्टोरी पे, एग्जैक्ट वही सेम चीज़ है, हम लोग यहाँ पे भी पोल क्रिएट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ स्टिकर्स के साथ हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, ये सारे स्टिकर्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके सबको ग्रीट कर सकता हूँ, हे एवरीवन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय ग्रुप, ओके अब बात कर लेते हैं वन टू वन। तो वहाँ पे वो अपने कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछेंगे, मैं उनको कुछ रिप्लाई करूंगा, ओके अगर मैं कोई ग्रुप बनाऊँ, जैसे मेरा एक पब्लिक चैनल है, मैं ग्रुप बना के तो नहीं कर सकता ना सबसे बात, तो मैं यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट कर दी, ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट कर दिया है, अब मैं उनसे वन टू वन बात कर सकता हूँ, एंड उनकी कोई क्वेरी होगी वो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ, मुझसे वो बात कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कैमरा वैमरा मतलब सारे ऑप्शंस वही है सेम जो एक चैट बॉक्स में होते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट का काम होता है कि आप अपनी एक अच्छी ऑडियंस बना सकते हो, आप सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई करके, आप सबकी क्वेरी रिजॉल्व करके, आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो आपके ग्रुप में आके वो पूछ सकते हैं, एंड ये सिर्फ आपके फॉलोअर्स आके कर सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट चैनल का ये फायदा होता है, क्रिएट कैसे करना है वो बता दिया, फायदे क्या है वो बता दिया है, एंड अब आके मुझे फॉलो करके इस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन भी कर लो। आपकी कोई क्वेरी तो मुझे इस ब्रॉडकास्ट चैनल पर मेरे पूछ सकते हो। बाकी उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई है, ब्रॉडकास्ट चैनल के बारे में पता लग गया है, उसी के साथ साथ आपको ब्रॉडकास्ट चैनल मिला है या फिर नहीं मिला है ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और भी कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो तो पसंद आई होगी, इफ आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, थैंक यू सो मच।